What aspects are helpful to form? What aspects which helps to form as a substance, to convert the substance into as a resource? Substance जिसका कोई use नहीं है, resource जिसका कोई use है. Anything which is available in our environment, which can satisfy the human needs is a resource. हाँ जी, हर चीज raw material पे based होती है. कह सकते हैं अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल नहीं कहेंगे, अवेलेबिलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. ओके, अवेलेबिलिटी स्किल टेक्नोलॉजी मेक्स अ सब्सटेंस इनटू एज अ रिसोर्स एक्सेप्ट दीज थ्री एनी अदर एस्पेक्ट सॉरी अवेयरनेस. जब स्किल की बात की जाती है टेक्नोलॉजी, अ पर्सन इज अ स्किलफुल, युग इज अ एजुकेटेड, युग इज अ स्किलफुल पर्सन. इफ द स्किल्ड लेबर इज देयर, स्किल्ड इंडिविजुअल इज देयर, इट इज नो How to utilize them? वहां अवेयरनेस का कोई रोल ही नहीं रहता. जब आपको कोई काम आता है, आपको स्किल आती है, ही इज अ कारपेंटर फॉर एग्जाम्पल, युग इज अ कारपेंटर, ही नो हाउ टू मेक एज अ स्टिक, ठीक है ना, उसे आता है. स्किल आती है तो वो अवेयरनेस नहीं है कि हाँ मुझे स्टिक बनानी ही चाहिए, उसे आती है, वो बना लेगा. नो नो नो, मैंने कहा एनी सब्सटेंस विच हैज कन्वर्टेड इनटू द रिसोर्स बिकॉज ऑफ द स्किल, ह्यूमन स्किल्स आर डिजायरेबल, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसको मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है ना. थर्ड एज देयर अवेलेबिलिटी, अगर सब्सटेंस होगा ही नहीं तो बनाना क्या. एक चीज रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, उसके बिना कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स नहीं बन सकता. रिसोर्स होता क्या है युग, आप बताइए. अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, मैंने रिसोर्स का मीनिंग पूछा, एग्जाम्पल थोड़ी ना मांगी आप. हाँ, जिसको यूज आप किसी को भी कर लोगे. हाँ, वेरी गुड, विच कैन सेटिस्फाई आर नीड्स, ठीक है. यूज तो आप किसी भी चीज को कर लोगे, सॉइल को यूज करके फेंक दोगे, उसका यूज आपके लिए नीड तो नहीं सेटिस्फाई हुई. व्हेन यू यूज द सॉइल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, इट इज अ रिसोर्स. वेरी गुड, रिसोर्स आपको अंडरस्टैंड है, क्लियर. सो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, अगर वो रिसोर्स है तभी उसको सब्सटेंस बन, सॉरी सब्सटेंस है तो रिसोर्स बन सकता है. स्किल्स है टेक्नोलॉजी, इनके अलावा कुछ और जो कि सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने में हेल्पफुल है. No. हाँ, efforts, utility, use, उसकी डिमांड, उसका रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए. ये स्टिक अननेसेसरी बना के नहीं रख दिया, वुड पड़ी है तो सारी की सारी स्टिक्स ही बना के नहीं रख देनी है, उसकी क्यों यूटिलिटी होनी चाहिए, यूटिलिटी जो डिमांड है. सो स्किल टेक्नोलॉजी यूटिलिटी अवेलेबिलिटी, आप क्या करिए. हाँ जी, वो यूज है ना, अब उस स्टिक से वो बेंच बना रहा है या स्टिक बना रहा है या डस्टर बना रहा है, इट डिपेंड अपॉन यूटिलिटी, क्या डिमांड, ठीक है ना. सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, स्किल टेक्नोलॉजी यूटिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस मेक ऑल फोर दीस आर मेक एनी सब्सटेंस इनटू एज अ रिसोर्स. सन है अवेलेबल, सनलाइट है, पर सनलाइट का यूज होना चाहिए. यूज क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी सफिशियंट नहीं है पंजाब के अंदर, वी विल स्टार्ट टू सेट अप द सोलर पैनल्स, रिक्वायरमेंट ही. अब वो सोलर पैनल जो लगाए गए हैं, फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी, स्किल्स यूज की ह्यूमंस ने अपनी, ठीक है ना. अवेलेबिलिटी क्या है, सनलाइट अवेलेबल है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है. ट्रॉपिकल एरिया, इक्वेटोरियल एरियाज में सनलाइट हैज अ मोर रिसीविंग एज कंपेयर टू द अदर्स, क्लियर. सो आर दिस चैप्टर द स्टोरी ऑफ अ विलेज पालमपुर हैज बेसिकली एम्फसाइजिंग ओवर द दोस एक्टिविटीज विच आर एसोसिएटेड विद द रूरल इकोनॉमी. विलेजेस, देयर आर जनरली एज अ टू काइंड्स ऑफ द एक्टिविटीज आर देयर, मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज. मार्केट एक्टिविटीज दोस एक्टिविटीज विच आर एसोसिएटेड विद द सेल्स एंड परचेज, सेल्स एंड परचेज एक्टिविटी. मार्केट आपको पता होगा क्या कहते हैं नव्या, मार्केट इज अ, व्हाट इट मींस अ मार्केट, पढ़ा हुआ ना, अ शर्ट इन अ मार्केट, सेवन स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है, अ शर्ट इन अ मार्केट चैप्टर पढ़ा हुआ है सिविक्स में, बताइए. यही क्लास होती थी सेवन्थ उसमें. यस नव्या, नित्या, सॉरी नित्या, फिर क्या हुआ, स्किप कर गया माइंड. आप आंसर देंगी, आपको तो बताया भी है, अगर आपको आंसर ना आए दूसरे ऐसे अच्छा लगेगा. सो मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, किसका नाम नहीं याद रहता है. यस, हाँ जी नित्या, सिंपली को ज्यादा कंफ्यूज मत करो, वो कंफ्यूज हो गई है. Can you repeat what Nitya said? Can you repeat it? Sales are produced. Oh, this is a newer concept. This is a newer concept. इसमें लोग हंस पड़ेंगे.
So market is a place where the selling and the buying activities are done by the people. That's simple. Don't a marketing aegam. Very good. Selling and a purchasing. It has a such activities are done by the people. Clear? And other category as a non-market activities. Those activities which are not related with the selling and purchasing. For example, the people are dairy farming. No, it is as a related with this. अपनी नीड के लिए अपने सर्वाइवल के लिए यूज कर रहे हो आप प्रोड्यूस कर रहे हो पर उसको मार्केट में बेचना नहीं चाहते जैसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग है सब्सिस्टेंस फार्मिंग यू प्रोड्यूस योर क्रॉप्स ओनली फॉर द सर्वाइवल ऑफ योर फैमिली नीड्स ऑफ योर फैमिली व्हेन व्हेन द एक्स्ट्रा सरप्लस सरप्लस प्रोडक्शन यू विल सेल इन द मार्केट देन इट विल बी नोन एज अ मार्केट एक्टिविटी वही एग्रीकल्चर जब आप मार्केट में बेचोगे वो मार्केट एक्टिविटी बन जाएगी सिंपली मार्केट विच इज एसोसिएटेड विद सेलिंग बाइंग And a non-market is not related with this. Teaching is a non-market. इसमें सर्विस दी जा रही है आप परचेज कर रहे हैं सर्विस सो है ठीक है ना नहीं है नहीं है मार्केट है क्योंकि यहां सर्विस दी जा रही है प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा सर्विस दी जा रही है When you simply कहो जब आप किसी भी सर्विस के लिए प्रोडक्ट के लिए यू आर पेइंग अ मनी देन यू आर बिकम्स एज अ कंज्यूमर Consumers, they are associated with the marketing. Simply, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना ठीक है आप पे कर रहे हो फॉर अ सर्विस फॉर अ गुड्स यू आर कंज्यूमर्स यस बच्चे हाँ जी हाँ किसके लिए बस बस एक बहुत है सफिशियंट हाँ जी ठीक है हाँ वो है वो हो जाएगी So the factors, thank you. Factors of the production. Factors of production in any of a locality. There are four factors are there or three factors are there. Three factors are there. Enterprises, entrepreneurs, enterprise nahi hota. Enterprise organization ke liye word use hota. Entrepreneurs, correct it. Entrepreneurs. Wait. Stand up. Your answer? None of those. Stand up. Yes, you. Stand up. Stand up. Whatever your option. Which option? Naga Hills. Naga Hills. Say you. But your answer? None of the above. Stand up, please. Next also. Haan ji? Ek Garo Hills kaha tha. Ek Naga Hills kaha tha. Second. Third, maine kaha tha Mount Everest. Garo Hills. Yes. Nitya. Option, just only option. No comments. Withdraw the opportunity. Yes, you. Garo Hills. Next, Azu. And A option, Garo Hills. Now, A kacha online bhi lele. Main bata raha hu abhi. MCQ diye aapko. Sit down, all of you. Online. Any name? Parmeet Singh. Thank you. Parmeet Singh will answer. Parmeet Singh. Parmeet Singh. परमीत सिंह राघव शर्मा और परमीत सिंह क्योंकि जनरली जयती का नाम आता है धीरेन का नाम आता है और कोई नाम ही नहीं आते सो परमीत एंड राघव शर्मा रेज योर हैंड बोथ ऑफ यू रेज योर हैंड्स रितिका So forget them. It's a non-option. Non-option. That physical feature. Reason क्या है? उसका reason क्या है? Because of the Namcha Barwa. Namcha Barwa is a mountain peak which took as a southward turn of Brahmaputra in Arunachal Pradesh. ठीक है ना? Before after this, Brahmaputra is known as a Tsangpo. When it enters in India, it is known as a Dihang. It enters in Assam, it is known as a Brahmaputra. When the Brahmaputra leaves the India and enters in a Bangladesh named as a Padma. Very good. And when Padma joined with the Ganga named as a Jamuna. And finally, Jamuna meets as a delta by the bifurcation into the smaller streams named as a Meghna. River 1,
एक क्योंकि इंडिया के अंदर उसका जो कोर्स है सबसे ज्यादा ब्रह्मपुत्रा के नाम पे चलता है, असम और मेघालय में जब वो बहती है उसको ब्रह्मपुत्रा ही कहते हैं, ठीक है ना, इसे उसका नाम रख दिया गया। वैसे उसके नाम अलग अलग लोकल नेम्स रखे गए हैं, ठीक है। चले आगे, सो चैप्टर पे आए, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर आपने एक सिलेबस पूछा था जो आपको आता नहीं था वो बताया, फिर आपने कहा क्वेश्चन कैसे आते वो भी बताया। सो फोर फैक्टर्स आर देयर विच आर इफेक्टिंग एसेट प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स आर द इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट विच आर इन्वेस्टिंग देयर सोर्सेस, दे विच आर इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। दे इन्वेस्ट देयर कैपिटल रिसोर्सेस इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इन अ फॉर्म ऑफ द सेटअप इंडस्ट्रियल यूनिट्स, सेटअप द प्रोडक्शन साइट्स। यस, एंटरप्रेन्योर्स आर द इंडिविजुअल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंबलेज ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, दीज आर द कोलाइड और कलेक्ट बाय द एंटरप्रेन्योर्स। Enterprises are the organizations in which not only as a one individual, a number of individuals may be possible to collectively work for the arranging all factors of production. So, both are similar. Entrepreneur, P-R-E-N-U-R-E. Same here. ठीक है, एक में, एक में क्या होता है, एंटरप्राइजेस में एक ग्रुप काम कर रहा है, कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है ना, वो एंटरप्राइजेस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक है, नॉट एज अ सिंगल इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ठीक है। आप एंटरप्रेन्योर ही लिखेंगे बिकॉज वन पर्सन हैज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग सच नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल। एंटरप्राइजेस तब लिखोगे जबकि पूरी की पूरी कंट्री में यही है, बट इन आर कंट्री व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इंडिया एज अ पूरा कंट्री देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ अ पीपल आर दोस विच आर सेटिंग अप द स्मॉल एंड अ कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो उसके अंदर ग्रुप्स का काम नहीं आता, इंडिविजुअल पीपल आर प्लेइंग फॉर द रोल ऑफ अ प्रोडक्शन इन इकोनॉमी। सो लैंड इज अ एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इंडिया टोटल लैंड एरिया, नित्या हाउ मच इज द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया, वेट, नित्या आर यू नित्या, यस जसलीन जस्ट गिवन द आंसर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, वेट, यस यू, फिर इकोनॉमिक से ज्योग्राफी जा रहे हैं। कैन यू टेल मी अबाउट द टोटल लेंथ ऑफ द इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द आइलैंड्स। आते हैं वहां पर, यस कम ऑन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द इंडियाज कोस्ट लाइन इन रिलेशन टू द आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आल्सो, व्हेन वी इंक्लूडिंग एज अ टोटल लेंथ ऑफ द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड मेनलैंड ऑफ इंडिया, द टोटल लेंथ ऑफ अ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज, रिपीट इट, यस वंशिका योर आंसर, 5 बिलियन। बच्चे 3.28 मिलियन तो इंडिया का सरफेस एरिया है, कोस्ट लाइन उससे लंबी हो जाएगी, नो ही इज रॉन्ग, दिस इज एज अ टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन फ्रॉम अ गुजरात टू द वेस्ट बंगाल मेन लैंड ऑफ इंडिया, दैट कोस्ट लाइन विच हैज एक्सटेंड फ्रॉम अ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। मैंने कहा श्रीलंका, बच्चे मैंने कहा श्रीलंका, मैंने कहा बीच में श्रीलंका, मैंने क्या कहा, आइलैंड, आइलैंड कंट्री नहीं कहा, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, दीज आर अ ग्रुप ऑफ द आइलैंड्स विच आर कंट्रोल्ड बाय इंडिया, मैंने कहीं कंट्री मार्क किया, तो यही सिली मिस्टेक्स होते हैं जो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग करवा देते हैं, ठीक है ना। सो द कोस्ट लाइन विच हैज शेयर्ड ऑन अ गुजरात
महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल सेट प्रॉपरली इट्स टोटल लेंथ इज 7516.6 किलोमीटर्स बट व्हेन वी इंक्लूड द टोटल एरिया टोटल कोस्ट लाइन ऑफ बे ऑफ सॉरी अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इट्स 15,200 किलोमीटर्स लॉन्ग दैट्स इट 15,200 किलोमीटर्स लॉन्ग ओनली नॉट मोर देन So land is an active factor of production of various activities are based upon a land resource. Land play as an indispensable role for economic growth. Economic growth. Why? Because land used for agricultural purposes. Land which has used for set up the industries. Means of transport are developed on a land resource. That's why it's an active factor, indispensable role. Life can't possible without the use of a land resource. But the land utilization is in our country, it is as a dynamic in nature. This is not static. Dynamic which is not static, changeable. As per the existing economic, social, and the cultural conditions of our country, the land use, the use of a land for a various purposes, it changes timely. Clear? Where now, as a Yug Sharma is sitting now, around 40 years back, that land, it was used for a cultivation, agriculture. That cultivable land, now it has come under the habitation for a school. For the residential areas, for the growth of a means of transport. Delhi has expanding towards all the directions. Earlier, Delhi, it was as a smaller city, but now it has encroaching the areas of Uttar Pradesh, Haryana, and Rajasthan. Encroachment, occupy the areas because of increasing the population. When the population has increasing, simultaneously the population required as a settlements, and such settlements are expanding the surface area of the cities. Jalandhar is an expanding city, which has expanding their surface area. Earlier, Jalandhar and Jalandhar can both were the separate places, but now presently both are merged with each other due to as an increase in a population. That's why the land use pattern is a dynamic in nature. Till there, any questions? Haanji? Haanji, bolo. Geography or economy? Economics is related to the money matters. Economy. Economy is related with the money, capital. Okay? How money has generates, what is their role in country. And the geography, simply geo word has derived from the Greek word as geo earth, graphy is a study. It was as an older concept. Presently, we are talking about a geography is study in relation to the man. Geography is study in relation to man. Aapne last year geography padhi, is saal bhi geography padhi. Ek difference hai. Kya difference hai? 8th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी और 9th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी ये मुश्किल है और 8th की ज्योग्राफी इजी थी 8th की ज्योग्राफी वर्ल्ड की ज्योग्राफी थी किसी एक कंट्री से एसोसिएटेड नहीं पूरे वर्ल्ड से एसोसिएटेड थी आपने मिनरल वेट मैं बोलूं चलो आप बोलो भाई आप बोलिए यानी इंडिया जो एक स्मॉलर प्लेस है स्मॉलर कंट्री है उसकी ज्योग्राफी डिफिकल्ट है और पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी इजी है ये कह रहे हैं आप कह रहे हैं अच्छा ये यानी एनालाइज नहीं करना चाहिए जब वहां वर्ल्ड के बारे में हम मिनरल्स के रिजर्व्स पढ़ रहे हैं इंडिया में लिमिटेड है और वर्ल्ड में कितने ज्यादा है वो इजी है इट्स इजी टास्क दिस ईयर ज्योग्राफी इज अ फिजिकल ज्योग्राफी लास्ट ईयर यू रेड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव ज्योग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मिनरल्स एग्रीकल्चर पॉपुलेशन उसके बारे में पढ़ा इस साल आप इंडिया के फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ोगे जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा माउंटेन्स के बारे में जियोलॉजी ऑफ इंडिया थर्ड चैप्टर यू रेड अबाउट द ड्रेनेज फोर्थ चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया फिजिकल एस्पेक्ट्स क्लियर सो लेट्स वी कंटिन्यू सेकंड फैक्टर लेबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ गुड्स इंटू एज द यूजेबल आइटम्स सो एनी सब्सटेंस व्हिच हैज डाइवर्ट योर माइंड Make isolate from you. It's an easy way. ठीक है योग मुझे डिस्टर्ब कर रहा था आपको भी कर रहा था शायद सो लेबर हैज हेल्पफुल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू एज अ रिसोर्स सच मटीरियल्स विच कैन बी एज अ कंज्यूमेबल देर आर इन ऑल द इकोनॉमीज देर आर बेसिकली एज अ टू काइंड्स ऑफ द गुड्स आर अ मैन्युफैक्चर दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द लेबर वन एज द इंटरमीडिएट गुड्स विच कैन बी एज अ कंज्यूम बाय द कंज्यूमर्स Some are the final goods. Final goods are calculated under the GDP. GDP stands for
नोट्स डी का नहीं पता, जी का बता दो, गुड्स एंड पी, अच्छा थैंक यू, यस जसली, नो आरजू, आरजू की टर्न नहीं आई आज, यस आरजू, जीडीपी स्टैंड्स फॉर यस आरजू, लाउडर, लिटिल बिट लाउडर, वेरी गुड आंसर, अनदर गुड आंसर, यस और नो दिव्याजी, गुड आंसर, सिट डाउन, यस जसली, नाउ योर टर्न, जसली विल आंसर, जीडीपी, वी डिस्कस अबाउट दिस और नॉट, जीडीपी पड़ा हुआ है, यस, आई डोंट, सिट डाउन, यस, ग्रॉस डोमेस्टिक, लिसन डोमेस्टिक, व्हेन वी यूज अ डोमेस्टिक मींस घरेलू, व्हिच हैज रिलेटेड विद आवर होम, बट व्हेन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री विदिन अ बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, सो दोस नंबर ऑफ ग्रॉस मींस इन टोटैलिटी, डोमेस्टिक मींस विदिन अ बाउंड्रीज, प्रोडक्ट व्हाटएवर हैज प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्ट वर्ड हैज इवॉल्व फ्रॉम द प्रोड्यूस, so whatever has produced within a boundaries of a country is a gdp means primary sector secondary sector tertiary sector country ke beech mein hi ho raha hai agriculture possible industries are located within a country and the services are provided by the people provided to the people services clear so there some value is a gdp there in totality value is the gdp clear so the income which has the number of a produced which are produced by the labor through their skills through their technology available education through their awareness they are included under the national income gdp if the labor has doing the work as efficiently it will produce as a more number of goods it will be as a good for the nation more goods means more income means our country it will be become as a developed our country it will achieve the level of the development india is a growing country India is a developing country. What's the difference between them? Wait, Kamanu. So many other options are there. Yes, Dhiren is there. Dhiren raised their hand. Yes, Dhiren. What's the gross domestic product ka answer bhai? Iska bata do. It's also related with this. Dhiren is a grown-up child. Dhiren is a developing child. What's the difference? Yani ab bade ho chuke hain. हम ये कहते हैं दिव्यांशी से ग्रोन अप चाइल्ड बढ़ रही है पर आप कह रही हैं हो चुके हैं ग्रोन अप के लिए आपने वर्ड का ठीक है ना अभी भी आप बच्चे हो चेंजेस रिक्वायर्ड है हाँ जा रही है ऐसा ना हो आज से सोलर सिस्टम से बाहर ही निकल जाए इतनी ऊपर जाते उसकी बात सुनो वंशिका एक चीज आपको बताना चाहूंगा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो उसकी एग्जांपल जीरो मानी जाती है एग्जांपल मार्क्स के लिए नहीं होती ठीक है ना ये माइंड में रखना हमने एग्जांपल पहले दे दी जापान इज अ डेवलप कंट्री मुझे नहीं पता डेवलप क्या होता है पर जापान इज अ डेवलप कंट्री सुन ली बताओ फिर क्या कहा उसने और जो कर ही रही है जैसे पास वो अंडर डेवलप है फिर ग्रोथ क्या हुआ वो ग्रोथ हो गया जिसकी डेवलपमेंट से डेवलप हुआ है वो ग्रोथ हो गई और डेवलपमेंट क्या है जिसकी जो हो चुकी है उसकी वो डेवलपिंग हो गई और जिसकी नहीं हुई है वो अंडर डेवलप अब क्या हुई है ये नहीं पता क्या आप कर रहे हैं यस क्लियर करो विद एग्जांपल यू कैन टेक एनी एग्जांपल ग्रोथ पॉपुलेशन भी हो सकती है ओके और दूसरा डेवलपमेंट क्या कहेंगे वो कह रहे हैं उनकी बात सुनो सही है मूवी अच्छा हो रहा है अच्छा तो ये भी हो रहा है पॉपुलेशन बढ़ रही है अच्छा नहीं हो रहा है आप अमेरिका चले जाओ यूएस चले जाओ रशिया चले जाओ दे आर रिक्वायर्ड एज अ पॉपुलेशन क्योंकि उनके पास सरफेस एरिया ज्यादा है मिनरल्स ज्यादा है रिसोर्सेज ज्यादा है उन रिसोर्सेज को यूज करने वाली पॉपुलेशन नहीं है दैट्स व्हाई दे आर डिजायर्ड उन कंट्रीज में अगर पॉपुलेशन बढ़ती इट्स एज अ पॉजिटिव इन वे दे आर कंसिडर एज अ पॉजिटिव इन वे बट इंडिया जैसी कंट्रीज जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है लैंड रिसोर्स कम है उन एरियाज में ये प्रॉब्लम है पर आप कह रही नहीं अच्छा नहीं होता
पूरा वर्ल्ड एक ही कंट्री क्यों नहीं बन जाती? वेट, दिव्यांशी, आर यू एग्री टू हैंड ओवर योर प्रॉपर्टी टू द अदर्स? आप अपना सामान दूसरों को देना चाहेंगी? क्यों नहीं देना चाहेंगी? देना चाहिए आपको, इसके लिए आप कह रहे हो ये सामान मेरा है, मैं दूसरों को नहीं दूंगी, ठीक है ना? और दूसरों का सामान दूसरों को दे देना चाहिए, यू नो, डबल मेंटालिटी हो गई ना। हर कंट्री अपने रिसोर्सेस को रिजर्व रखना चाहती है, बचा कर रखना चाहती है अपनी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है ना, अपनी पॉपुलेशन। ये कहनी पूरे वर्ल्ड को मिलाकर एक ही कंट्री बना दिया जाए, क्या अगर आप अपने रिसोर्सेस को विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो दूसरा करेगा? पहले अपने से सोचो, ठीक है। और दूसरी बात, वो ग्रोथ डेवलपमेंट, साहिल ने कहा ग्रोथ जो इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जिसको मेजर किया जा सकता है। साहिल की हाइट बढ़ रही है, साहिल जब नसी में था छोटा सा था, ठीक है, अराउंड ऐसा 2 feet सिंस लास्ट 10-12 ईयर्स उसकी हाइट इंप्रूव हुई है, दिस इज एज अ ग्रोथ। वेट, मैं वही हूं अभी आ रहा हूँ, ग्रोथ हुई है, इंक्रीज हुई ना हाइट। अब उसी का कंपैरेटिवली कंट्री जो है, कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ी है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है वैसे वैसे लोगों की नीड्स भी बढ़ी हैं, वो नहीं कम हुई है, डिमांड बढ़ी है हर चीज की। पर डिमांड के कंपैरेटिवली अगर सप्लाई भी हो रही है, देन इट इज अ डेवलपमेंट। मींस काइंड्स ऑफ द सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव सिंस इंडिपेंडेंस टुवर्ड्स अ मॉडर्न। इन इंडिपेंडेंस टाइम 35 crores ऑफ पॉपुलेशन, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आउट ऑफ द एवरी 100 40 people डीज ओवर द डाइट ड्यू टू द एस मैल नरिशमेंट। यस, मरासमस याद है, क्वाशियोरकर मरासमस। तो माल नरिश, प्रॉपर डाइट नहीं मिलती थी, सर्विसेज एडिक्वेट नहीं थी, तो कंट्री इट वॉज एस अ इंप्रूविंग बट एस अ लेगिंग बिहाइंड, डिक्रीजिंग लेवल से ग्रोथ कर रहा था, डिवेलप हो रहा था। आज क्या है, हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हुई हैं, एजुकेशन इंप्रूव हुआ है, उससे क्या हुआ, सर्विसेज इंप्रूव हुई हैं, वो डिवेलपिंग। इसलिए वंशिका ने वर्ड यूज किया डिवेलपिंग, इंडिया इज नाउ हैज इंप्रूविंग देयर सर्विसेज। ग्रोथ इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ग्रोथ इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हम साहिल को कुछ एक्स्ट्रा डाइट ना भी दें फिर भी उसकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है ना? एक छोटा बच्चा है, नसी का बच्चा है, उसको आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट या फिर ज्यादा खाना ना दो, दिन में 2 times का खाना दो, उसकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी, कम होगी पर होगी जरूर, उसकी हाइट जरूर इंप्रूव होगी, उसका वेट जरूर इंप्रूव होगा, ठीक है ना? वो ग्रोथ इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, वो रुकेगा नहीं, वो होता रहेगा। ऐसा हो सकता है कमनू जैसा कोई 8 feet का हो जाए, कोई 4 feet का रह जाए, पर ग्रोथ उसकी हुई है। पर डेवलपमेंट उसका एस्पेक्ट, जितने आप इनपुट्स दोगे, जितने ज्यादा उसको न्यूट्रिएंट्स दोगे, ठीक है, प्रोटीन्स दोगे, उसके मसल्स डेवलप होंगे उतने ज्यादा, उतना उसका मेंटल लेवल इंप्रूव होगा, जितनी नॉलेज दोगे, दिस इज डेवलपमेंट। कंट्री में जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसा लगाओगे, उतनी ही डेवलपमेंट होगी, अदरवाइज अ कंट्री इट विल बी एज अ ग्रोइंग एज साइमल्टेनियसली। अगर आप कोई एफर्ट्स ना करो पॉपुलेशन बढ़ेगी, वो पॉपुलेशन की क्वालिटी लो ग्रेडेड होगी, वो एजुकेटेड नहीं होगी, पॉपुलेशन लोग बढ़ गए हैं पर सर्विसेज बेटर नहीं है, दिस इज एज अ डिफरेंस। ग्रोथ इज कॉन्टिन्यूस एंड डेवलपमेंट हैज इंक्रीज थ्रू द इनपुट्स, ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करती है। साहिल की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, पहले उसकी नॉलेज क्या थी, आज कितनी होगी, वो उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई पिछले 13 साल के अंदर, ठीक है ना? सिंपली कंट्री के अंदर सर्विसेज इंप्रूव हुई है। आज कंट्री, हमारा कंट्री, इट हैज ट्राइंग टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, 75% पीपल आर इलिटरेट। इंडिपेंडेंस टाइम टोटल 49% पॉपुलेशन इट वाज अ लिटरेट, अभी 75 है, इंप्रूवमेंट हुई है, आगे और होगी, ठीक है ना? ये डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट सबकी हो रही है। हाँ जी बोलिए कमनू।